प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहां पे हिंदुओं का जीना जो है वो दुश्वार होता जा रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की दो बहादुर महिलाएं, एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग नाजी लाई खान जी, जो कि इसी मुद्दे पे बात करेंगे और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। आखिर में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि जितने मुद्दे पश्चिम बंगाल में हैं, अगर अपोजिशन में ममता बनर्जी होती तो आज पश्चिम बंगाल जल रहा होता, आज पश्चिम बंगाल तप रहा होता, आज पश्चिम बंगाल में गाड़ी चलने की जगह नहीं होती अगर वो अपोजिशन लीडर होती और ये सारे स्कैम, चोरी चमारी और मास बलात्कार और ये जंगजू और आतंकी एक्टिविटी अगर कोई लेफ्ट फ्रंट की सरकार कर रही होती या कांग्रेस की सरकार यहाँ पर कर रही होती तो एक माहौल अलग होता, एक माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता। भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त होने की जरूरत पश्चिम बंगाल में है और छोटे से छोटा मुद्दा और बड़े से बड़े मुद्दे को रोड पर उतर करके चिल्ला करके अपनी आवाज के द्वारा मीडिया को और डिपार्टमेंट को जागरूक करने की जरूरत है कि तुम इसको इग्नोर मत करो, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, एक छोटी बच्ची का बलात्कार अगर पश्चिम बंगाल में होता है तो हम 10 दिन चिल्लाते हैं तब जाकर के वो मीडिया में के कैमरे में आता है। क्यों क्यों? वो छोटी बच्ची का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? उसके घर वालों के आंख में जो खून के आंसू है वो आंसू नहीं है क्या? उसको भी तो महत्व दो। एक बलात्कार को तुम कहोगे कि एक छोटा सा तो बलात्कार हुआ है, अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे घर की बहू बेटी का बलात्कार होगा तब तुमको कैसा लगेगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो बलात्कार में जो पीड़िता होती है, जो विक्टिम होती है, वो उसको भी लव अफेयर का एक टैग पहना देती है, वो बेटियों को ही बदनाम करती है। तो गले का फांस बहुत सारा है, गले की हड्डी ममता जी। नाजर जी, कोलकाता हाई कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया था ये 25,000 टीचर्स को लेकर, तब तो ममता बनर्जी ने कितने जोर शोर से ये आरोप लगा दिया था कि कोलकाता हाई कोर्ट बिक गया है, जज बिक गए हैं, बीजेपी ने खरीद लिया है, बीजेपी ने सीबीआई को खरीद लिया है, एनआईए को खरीद लिया है, ईडी को खरीद लिया है, एनएसजी को खरीद लिया है, और लोगों से सरेआम कहा था कि बीजेपी को एक भी वोट ना दे वहां का शिक्षक और सरकारी कर्मचारी। तो ये सारी बातें जो है, क्या इनकी शिकायत चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि वो सीधे सीधे कोलकाता हाई कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर देती है अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है? नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर बहुत इंटेलेक्चुअल टीम है पश्चिम बंगाल की, क्या उन्होंने चुनाव आयोग को वो वीडियो क्लिप और साथ में कंप्लेन लेटर पहुंचाया है? चुनाव आयोग क्यों नहीं लेगी संज्ञान? बिल्कुल लेगी, लेना चाहिए, हर हाल में लेना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग ममता बनर्जी के इस भड़काओ भाषण पर अगर नहीं ले रही है संज्ञान या कोई लीगल स्टेप नहीं ले रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो ही सकता है कि इतने लोगों ने चुनाव आयोग को बताया कि ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के अभी भीतर है हम लोग, और तब भी चुनाव के द्वारा वो ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण दे रही हैं, वो शरिया लॉ को मनवाने की कोशिश कर रही हैं, वो मुसलमानों को कह रही हैं कि अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर तुम बीजेपी को तुम वोट करोगे, वो कह रही हैं कि हाई कोर्ट जो है कलकत्ता का वो बिका हुआ है, सीबीआई बिका हुआ है, और जितने भी टीचर्स हैं जिनकी नौकरी चली गई है वो वोट ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1,000 लोगों ने चुनाव आयोग को वो क्लिपिंग के साथ अगर कोई कंप्लेन लेटर दिया होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कोई आपत्ति तो थी नहीं, बिल्कुल कर देना चाहिए था कि चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है। और दूसरे ही दिन, दूसरे ही सुबह, सूरज निकलते ही, सूर्य देव के उनको देखते ही सारे भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के नेताओं को सर्वोच्च न्यायपालिका पहुंच जाना चाहिए था कि देखिए चुनाव आयोग को हम बता रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा, बिल्कुल संज्ञान लेता, सर्वोच्च न्यायपालिका लेना पड़ता, बाद हो जाता लेने के लिए। अब आती है तीसरी बात कि श्रीमती ममता बनर्जी की वजह से पश्चिम बंगाल बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ चुका है।
ये पश्चिम बंगाल जो कभी काजी नजरुल इस्लाम का माना जाता था, ये पश्चिम बंगाल जो कभी रविंद्रनाथ टैगोर का माना जाता था, ये पश्चिम बंगाल जो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का माना जाता था, यही पश्चिम बंगाल जिसमें बिनोय बादल दिनेश को इतना महत्व मिला, यही पश्चिम बंगाल जिसमें बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े लोगों ने इस पर कविताएं लिखी है, आज यही पश्चिम बंगाल स्कैम, झूठ और बलात्कार और बम और आतंकी जिहादी जंगजू के नाम से जाना जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सुओ मोटो एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है, लेना चाहिए। क्या आप खड़े खड़े भैया आप तो कलकत्ता हाईकोर्ट को गाली गलौज कर रही हैं, आप तो कलकत्ता हाईकोर्ट पर इल्जाम रख रही हैं, आप बिना किसी तथ्य के आप सीबीआई पर इल्जाम रख रही हैं, आप एनएसजी पर इल्जाम रख रही हैं, आप एनआईए पर इल्जाम रख रही हैं, आप अल्लाह की कसम खिलवा रही हैं मुसलमानों को कि बीजेपी को वोट मत देना नहीं तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब कहां से मैसेज आ गया अल्लाह तबारक ताला का ममता बनर्जी के पास? भाई अबू मरतहद आए थे या जुब्रैल अलैहि सलाम आए थे आपके पास चिट्ठी लेकर के कि बीजेपी को वोट मत करवाना? और अगर अल्लाह तबारक ताला को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जमीन पर धरती पर है तो इसका मतलब है इसमें भी अल्लाह की मर्जी है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए, इसमें भी अल्लाह की मर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में जो बड़े बड़े सुपीरियर द ग्रेट ऑफ ग्रेटेस्ट जो नेता है उनको संज्ञान लेने की जरूरत है, उनको आगे बढ़ने की जरूरत है। दो चार मिचल मीटिंग और दो चार पदयात्रा करने से और दिन रात मीडिया में बैठ करके बोलने से अपने आप की टीआरपी करवाने से कुछ नहीं होगा। बारीकियों को पकड़ने की जरूरत होगी और उन बारीकियों पर और उन सत्य को उठा करके कोर्ट लेकर जाने की जरूरत होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत होगी। पर एक चलते चलते एक बात बता दीजिए, ममता बनर्जी के अनुगत मंडल जो बीरभूम का राजा केशटो वो भी तिहाड़ जेल में बंद है, फिर शाहजहां शेख और ऐसे भी ममता के बहुत सारे नेता जो ममता बनर्जी के लिए वोट इकट्ठा करते थे वो सबके सब अंदर है। तो ममता बनर्जी इसलिए भी डरी हुई है कि ये सब इलाके जो है जहां पर जिनके नेता अंदर है ये सब तो वोट नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि डराने वाला कोई है नहीं। इसीलिए उनका मंत्री जो विधायक था जो कह रहा था कि उंगली कट जाएगी अगर बीजेपी को वोट दिया, ये ममता बनर्जी की धमकियां काम करेंगी या ममता को समझ में आ गया कि इस बार वो बैकफुट पर है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए अपने कार्य के तहत वो बैकफुट पर है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कोई डेवलपमेंट कोई इम्प्रूवमेंट कोई सक्सेस कोई ऐसे काम नहीं किए हैं जिससे जनता और वोटर्स भावुक होकर के सेंटिमेंटल होकर के जज्बाती होकर के ममता बनर्जी को फिर से वोट करेगी और तृणमूल कांग्रेस को फिर से वोट करके भारी बहुमत में जिता करके लेकर आएगी कि भाई इतना अच्छा काम किया है तो आगे भी वो अच्छा काम करेंगे। ममता बनर्जी के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके अटेंडेंस को देखिए ना, आपने सुदीप बंदोपाध्याय को कितनी बार देखा है पार्लियामेंट में बातों को रखते हुए? आपने आपने काकुली दस्तीदार को कितनी बार देखा है? आपने जो आफरीन अली थी जो हिंदू मुस्लिम बन गई बनी और आफरीन अली रखी ना, उसको आपने कितनी बार देखा एक्सेप्ट महुआ मोइत्रो के अलावा? तृणमूल कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं जो पार्लियामेंट जाते हैं उनका अटेंडेंस ही तो नीलपट्टा सन्नाटा है। वो तो बंगाल के लिए कुछ करके इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट का कोई काम करके लेके नहीं आते हैं। आपने मिमी चक्रवर्ती को कितने दिन देखा? आपने आपने नुसरत रूही जान जैन को कितने दिन देखा? नहीं देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर, उनके अटेंडेंस ही इतने खराब होते हैं। लेकिन केस्टो के भीतर जाने से, पार्थो के भीतर जाने से, शेख शाहजहां के भीतर जाने से, ये सारी चीजें उनके डर का बास है, मैं इस बात को मानती हूं। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा सभी को कि ममता बनर्जी का ग्रुप और ममता बनर्जी की जमजू टीम इतनी छोटी नहीं है, इतनी छोटी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। उसके लिए और भी सतर्क होने की जरूरत है, उसके लिए आंखें जो है ना वो चील वाली बनाने की जरूरत पड़ेगी और हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक मंडल हर एक ग्राम के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करना पड़ेगा बीजेपी के नेताओं को कि जहां जहां पर ममता बनर्जी के गुंडे चल फिर रहे हैं और वोटर्स को वो डरा रहे हैं उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसीलिए क्योंकि जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात की जा रही हैं मतदान के द्वारा, उससे भी ममता बनर्जी
डरी हुई हैं और तृणमूल कांग्रेस में खलबली मची हुई है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते ममता को लगता है कि इस बार वो बैकफुट पर है, लेकिन अभी वो हेलीकॉप्टर में गिर गई हैं, तो मैं तो उस खबर का इंतजार कर रही हूँ कि क्या होगा। एक्सरे के लिए उनको कहाँ SKMS अस्पताल ही ले जाया जाएगा, वही उनका फेवरेट अस्पताल है। तो देखते हैं क्या खबर आती है, आप भी नजर रखिएगा। लेकिन आपने समय निकाला इस लाइव सेशन के लिए नाज़िया जी, और ये सारी जानकारी मेरे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंख जी और नाज़िया इलाही खान जी का ये दमदार डिस्कशन और ये इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने काफी सारे राजों से पर्दा उठाया, खासकर बात की TMC की गुंडागर्दी के बारे में और खासकर ममता बनर्जी जो मुसलमानों से ये कसम दिलवाती है, यानी कि अल्लाह कसम खाओ कि आप कभी BJP को वोट नहीं दोगे या कभी ऐसी यूनिटी हमारे हिंदुओं में आएगी, इसके बारे में आपके क्या विचार है। और जैसे कि आपने देखा नाज़िया इलाही खान जी ने बात की TMC के नेताओं के बारे में, चाहे वो नुसरत जहां हो या फिर महुआ मित्रा हो जिनको सेक्स करने से एनर्जी मिलती है, ये खुद का उनका इंटरव्यू है और खुद का उनका बयान है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।